सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन सरकार और जनप्रतिनिधि के नुमाइंदे भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाने में लगे हैं। दरअसल बिहार सरकार द्वारा सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन पंचायत सरकार भवन की नींव इतनी खोखली है कि कब यह भवन जमीन दोज हो जाएगा बताना मुश्किल है। आपको एक ऐसे ही पंचायत सरकार भवन से रूबरू करवाते हैं। पूर्णिया के डगरुआ प्रखंड अंतर्गत ठाड़ी पंचायत के डूबा गांव में 1,27,00,000 रुपए की लागत से बन रहा है ये है पंचायत सरकार भवन, जो किसी ऊंचा स्थान पर ना बनाकर एक तालाब को भरकर बनाया जा रहा है। हालांकि इस पंचायत में कई ऊंचे सार्वजनिक स्थल भी हैं। अब जरा पंचायत सरकार भवन की इस बिल्डिंग की मजबूती पर नजर डाले तो दो मंजिला बनने वाले यह इमारत की नींव इतनी खोखली है कि सरिया 10 mm का और बालू उजला दिया जा रहा है। मसाला में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता है। यह कार्य कोई और नहीं बल्कि वहां के स्थानीय मुखिया द्वारा संपादित कराया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि पंचायत सरकार भवन की नींव ही खोखली है और यह भवन कब इसको हम लोग कल देख लेते हैं। लो लैंड तो है, लेकिन मैंने क्योंकि बिहार सरकार का ज़मीन मतलब वहाँ पर अवेलेबल है, उतना एक जगह अवेलेबल कहीं प्लॉट नहीं मिल रहा था, इसलिए उस जगह को सेलेक्ट किया गया है। और दूसरी बात, जहाँ गुणवत्ता की बात है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। गुणवत्तापूर्ण तो बनवाया ही जाएगा, उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और कितने की लागत से बन रही है ये पंचायत सरकार भवन जो है, और ये पंचायत टौली, पंचायत टौली पंचायत जगरवा प्रखंड, और 1,27,00,000 का योजना है। और प्लस इसमें मिट्टी का जो कार्य हो रहा है वो मनरेगा का अच्छी से हो रहा है, फंड से, योजना से। और दूसरी बात ये है कि एक तो लोलैंड ये ज़मीन है, आप तो देख ही रहे हैं, धार में बन रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसका जो बेसमेंट होना चाहिए, जो बेस बनना चाहिए, उस मुताबिक इसमें रड नहीं पड़ा, जो रड लगना चाहिए, जो 16 का दिखावा है दिखा रखे हुए हैं, लेकिन 8, 10 और 12 का जो है रड लगाए हुए हैं। और रिंग तो देख ही रहे हैं, इस बिल्डिंग का आपके सामने है सारा चीज़, मटेरियल भी है। और जो बालू सेंड रखे हुए हैं वो बालू लाल बालू दिखने के लिए एक टेलर रखे हुए हैं, बाकी जो है उजला सफ़ेद बालू से काम किया जा रहा है। बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगा है, नौ राशि मतलब दर्शाया है, नौ तो क्वालिटी क्वांटिटी का कोई ई है जानकारी किसी को नहीं। काम जो है जिस भी एजेंसी को दिया गया है या पंचायत के प्रतिनिधि जो मुखिया ये हैं या यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ जितने भी सामान्य सदस्य वार्ड सदस्य हैं या पंचायत समिति सदस्य, किसी को ये चीज़ का नहीं जानकारी तो नहीं प्राप्त हुआ है। और बिना जानकारी के ये जो है कार्य को शुरू किया गया है। और वो सामने ही है कि मिट्टी कितना नीचे दब रहा है, और इस मिट्टी इस पे बनाने का किस तरह से ये है, न तो जेई का यहाँ पर आगमन है, न तो एसडीओ का। मैंने एक्सिक्यूटिव के पास भी मैंने शिकायत किया है, काम को रोक दिया गया है। हाँ, काम तो बीपीआरओ साहब आए हुए थे, वो क्वालिटी देख करके उन्होंने बोला कि जो है इस काम को बंद किया जाए और पुनः इसको जो है नीचे से तोड़ करके इसको बनाया जाए। लेकिन अभी क्या काम तो चल रहा है, लेकिन काम को फिर चालू कर दिए। कौन सी एजेंसी बना रही है ये? ये सादिया कंस्ट्रक्शन है। कितने की लागत से बन रही है? 1,27,00,000। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार उर्फ राजू यादव, पूर्व प्रत्याशी पंचायत टोली।